आज पूरी योगी सरकार प्रभु राम के दर पर पहुंची है दर्शन और पूजन के लिए। और इस वक्त देखिए, दरअसल मैं राम मंदिर के ठीक सामने ही हूं, गेट नंबर 11 है, और जो तमाम विधायक हैं चूंकि वो अब निकलकर बाहर आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इस पूरे कह सकते हैं कि ग्रुप में, हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं है और सपा को छोड़ सभी दलों के विधायक आज के कार्यक्रम में शामिल हैं। दर्शन पूजन खत्म हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे कार्यक्रम से समाजवादी पार्टी ने दूरी क्यों बनाई। तमाम लोग यहाँ के रहने वाले हैं और साथ में जो कई जगहों से श्रद्धालु इस वक्त पहुंचे हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से? जी, मेरा नाम सचिन मिश्रा है, मैं हिमाचल प्रदेश बद्दी से आया हूँ प्रभु श्री राम के दर्शनों हेतु। जी, तो आपको पता है कि आज सभी दलों के जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी को छोड़ यहाँ पर दर्शन और पूजन के लिए पहुँचे हैं, सीएम भी अंदर है। सर, किसी पार्टी का कोई बंदा नहीं आया, ये राम की पार्टी है और राम जी ने बुलाया, जिनको वही आया, जिनको वो तो मस्जिदों में जाएंगे, वहाँ जाएंगे, उनको राम मंदिर से क्या मतलब है? समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया, बिल्कुल किनारा, वो राम जी ने किनारा कर लिया। समाजवादी पार्टी होती है कौन है? सबसे बड़े अपने राजा राम हैं, उनसे ऊपर कौन है? वो हैं बुलाने वाले, हमें बुलाया, मैं हिमाचल से आया, आप भी देखो आए, इतने श्रद्धालु आए हैं और वो यही हो गए, यही नहीं आ रहे हैं, उनको पता वोट तो मिलने हैं नहीं, क्या करेंगे जाके, वो हारे हुए हैं, एक तरफा है, बाबा ही आएंगे। योगी बाबा को कोई दुनिया में इस टाइम हरावा नहीं है, गाय वाले बाबा ही आएंगे, चाय वाले बाबा भी आएंगे, दोनों ही आएंगे। सपा की तो जमानत ही जब्त है, इसलिए तो नहीं आ रहे, वो क्यों आएंगे यहाँ? उन्होंने तो राम भक्तों पे गोली चलवाई थी ना, कांग्रेस की, उन्होंने तो राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। विधायक आई हैं यहाँ, कांग्रेस के विधायक आई हैं, विधायक बेशक आई है, कांग्रेस का खाता खुलने वाला यूपी के अंदर है नहीं। जो कांग्रेस की विधायक आई है ना, वो बीजेपी में को आ रही है, इसलिए पहले आई है वो, हम राम लला के दर्शन कर ले, क्योंकि बाद में हम कभी उनसे इतना ज़्यादा आक्रोशित ना हो, क्योंकि अब तक तो वो रामलला को अस्तित्व ही मिटा रही थी, कि अस्तित्व भी नहीं है, सब फर्जी बात है। योगी और मोदी जी ने दिखा दी, कोई माई कलाल पैदा नहीं होगा आज के बाद, न पैदा हुआ था न पैदा होगा आज के बाद, जो 500 साल बाद जो हमारे बाप दादाओं ने देखा आज हम लोगों ने देख लिया। बिजनेस बढ़ा है ना आपको, बढ़ेगा और अभी और बढ़ेगा, अभी 6 महीने हुई है, 6 महीने 1 साल, इतना बढ़ेगा कि यहाँ के आदमी बिल्कुल खुशहाल हो जाएगा यहाँ का। ऋषभ, आज पूरी सरकार आई हुई अंदर, हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं आए, क्या सोचते हैं आम नागरिक होने के नाते? तो समाजवादी पार्टी को इस तरीके से शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो जगह है ये राम भगवान से रिलेटेड है, तो अगर उनको बुलाया गया है तो सभी दलों को इसको स्वीकार करना चाहिए, सबको आना चाहिए। जी, कुछ महिलाएं भी हैं, क्या नाम है मैम आपका? सीमा कटियार। सीमा कटियार। सीमा जी, अयोध्या आई हैं, कैसा माहौल लग रहा है अयोध्या का? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, हमको बहुत खुशी हुई, मेरे राम भगवान यहाँ आए हैं आज, हमको बहुत बहुत खुशी हुई। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आया हूँ, जितनी खुशी मुझे यहाँ हो रही है शायद मुझे अपने घर पे भी नहीं होती है, बहुत अच्छा लग रहा है। योगी मोदी जी से मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका, जो इन्होंने कर दिया, शायद कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। सभी विधायकों को यहाँ पर लाने का न्योता था और देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को छोड़ सभी दलों के विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं, चूँकि भगवान राम सबके हैं, किसी एक पार्टी के नहीं हैं, लेकिन सपा ने इससे किनारा कर लिया, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, सपा की बात तो ये है कि ये तो राजनीति का खेल है, राजनीति सब अपनी अपनी करते हैं, अभी कोई भी सही, अभी सपा के विधायक आ जाते तो उनका वो अपना प्रचार करते, मगर ये जो सरकार है इससे बढ़िया कोई सरकार हमको नहीं लगी। मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, मुझे कमरा 2.5 लाख रुपए मिला है, मुझे रूम मिला है और आने जाने की मुझे सुविधा बहुत बढ़िया है। तमाम विधायक हैं वो बाहर निकल रहे हैं और देखा जाए तो इसे राजनीति से जोड़ना कतई भी उचित नहीं होगा, क्योंकि आज सभी दलों के जो नेता थे उनको इनवाइट किया गया था। देखिए, चूंकि सियासी चौक में हम बात करते हैं आम लोगों से, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ जो विधायक और मंत्री हैं जो यहां से बाहर निकल रहे हैं उनसे भी बातचीत हो जाए कि आखिर उन्हें उनका ये जो अनुभव रहा वो अनुभव कैसा रहा। तमाम जो विधायक हैं, पक्षालिका सिंह हैं, मैम कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ और हम लोग का सौभाग्य है कि विधायक इस टाइम पे हैं जब राम मंदिर बना और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी जैसे आदमी हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे हैं, इन्हीं दोनों की वजह से ये इतना बड़ा काम हो सकता था और हो भी गया, दोनों को बधाई और हम लोग का सौभाग्य। तमाम लोगों से राय लेने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने किनारा किया इस पूरे कार्यक्रम से,
उसे लेकर लोगों का क्या सोचना है। तमाम लोग हैं इस वक्त जो श्रद्धालु हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप? जी हम बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? सिवान डिस्ट्रिक्ट। आपको पता होगा कि आज पूरी सरकार आई है प्रभु राम के चरणों में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पूरे कार्यक्रम से किनारा कर लिया है। आपको लगता है कि राम पर सियासत अभी बंद नहीं हुई है, सियासत हुई? जी देखिए, ऐसा है कि हम जो आए हैं वो सियासत पे तो हम कुछ बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो बिहार से हैं, तो यहाँ की सियासत के बारे में हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी योगी जी द्वारा और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये जो कितना पावन कदम उठाया गया और अयोध्या में राम मंदिर का जो है निर्माण हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। कुछ और युवा हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रखर गुप्ता। कहाँ से हैं प्रखर? बहराइच। प्रखर, आज पूरी कैबिनेट और सभी दलों के नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सिवाय समाजवादी पार्टी के, किस तरीके से देखते हैं? जी देखते क्या है, भारतीय जनता पार्टी 2024 में पूर्ण बहुमत से जीत रही है और समाजवादी पार्टी को पता है कि हमें हारना ही है, तो राम मंदिर आके उनका क्या मतलब है? कोई मतलब उनका नहीं है। राम तो सबके हैं, इसको बांटना, ये हम आप कह रहे हैं ना, अखिलेश जी नहीं मान रहे इसको, अखिलेश भैया इसको नहीं मान रहे कि राम सबके हैं, वो जान रहे हैं कि राम सिर्फ भाजपा के ही हैं। लगता है कि सपा को नुकसान होगा इस? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, आप कहाँ से हैं? साथ में ही हम। अच्छा, साथ में ही। जी। क्या नाम है आपका? शिवम गुप्ता। शिवम, क्या सोचते हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस पूरे कार्यक्रम से किनारा किया? सर अपने अपने विचार हैं, बस यही कह सकते हैं। यहीं से हैं, यहीं से हैं, अयोध्या से हैं। जी आज पूरी सरकार आई है प्रभु राम के चरणों में प्रणाम करने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता नहीं आए। सर उनका वो अपना विचार है, वो नहीं आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं उनका विचार है, जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, हमारे यहाँ आए प्रभु श्री राम का दर्शन करें। जी आप भाई सब थोड़ा सा आगे आ जाइए। कहाँ से हैं आप? मैं हैदराबाद से आया हूँ। अच्छा, हैदराबाद से। खैर यहाँ की पॉलिटिक्स से मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो भगवान राम तो सबके हैं, सबके लिए हैं। लेकिन इस पर भी सियासत? सियासत ये हो रही है कि कोई पार्टी, खाली बीजेपी वाली कोई पार्टी आ नहीं रही है, कांग्रेस नहीं आ रही है। आज कांग्रेस की एक विधायक आए हैं, समाजवादी पार्टी नहीं है? हाँ, खाली की पार्टी बची है वो नहीं है, बाकी सब पार्टी आ चुकी है, बस पॉलिटिक्स ही है और कुछ नहीं, सियासत इसमें भी चल रहा है। सर क्या देखते हैं आने वाले समय में चुनाव में? असर तो पड़ेगा पार्टी, उस पार्टी पर असर पड़ेगा ही। जी असर पड़ेगा जी, जरूर। कहाँ से भाई साहब? हम मुंबई से। मुंबई से, क्या नाम है आपका? संदेश। संदेश, अगर हम यहाँ की सियासत की बात करें तो चूंकि राम मंदिर राजनीति के केंद्र बिंदु में हमेशा ही राम मंदिर रहा है, लेकिन अब चूंकि सभी विधायकों को आने का न्योता दिया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ पर नहीं आए? नहीं, आना चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि ये सबके लिए बना हुआ है, इसमें पॉलिटिक्स ना जोड़ा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब धर्म के लिए आना चाहिए, हर लोगों ने आना चाहिए, कि हम भी आए इतने दूर से उसी चीज़ के लिए कि भाई मंदिर नई चीज़ बनी है तो आना चाहिए, आना चाहिए। अब भाई साहब कहाँ से हैं? देवरिया। देवरिया से। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सपा ने किनारा किया है इस पूरे कार्यक्रम से, उसका कितना असर पड़ने वाला है? आने वाला समय में बहुत बुरा असर सपा के लिए है, इसलिए कि ये तुष्टिकरण के लिए ऐसा कर रहे हैं, मुस्लिम का वोट लेने के लिए बस, बाकी कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। जी तो देखिए, इस वक्त मैं राम जन्मभूमि के ठीक सामने हूँ और चूंकि जो विधायक हैं वो भी लगातार निकल रहे हैं, लेकिन यहीं पर मौजूद आम लोगों से हमने बातचीत की और बातचीत कर ये समझने की कोशिश की कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस पूरे कार्यक्रम से किनारा किया, उसका अगले चुनाव में कितना असर पड़ने वाला है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि राम किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि सबके हैं। 500 साल से अधिक के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बना और प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसको लेकर राजनीति लगातार जारी है, पक्ष विपक्ष की राजनीति और एक दूसरे को पटकनी देने चित करने की राजनीति लगातार जारी है, लोग इसका सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। यही वजह है कि जब अयोध्या जाने की बारी आई, सभी विधायकों को अयोध्या जाने के लिए कहा गया, तो सपा बैकफुट पर आ गई और उसने कहा कि सबके साथ नहीं जाएंगे, जाएंगे जरूर जाएंगे लेकिन सबके साथ नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को महज इसलिए पार्टी से निकाल दिया क्योंकि वो लगातार राम मंदिर के पक्ष में बयान देते आ रहे थे और उन्हें माना गया कि वो पार्टी लाइन के हट करके बयान दे रहे हैं, उन्हें 6 साल के निष्कासित कर दिया गया। किस तरीके की राजनीति है ये कानपुर के लोगों से जानते हैं कि और इसका सियासी फायदा किसको होने वाला है ये बताइए। जिस तरीके से सभी विधायक आज दर्शन करने के लिए अयोध्या गए भगवान श्री राम के, लेकिन सपा ने मना कर दिया कि सपा के लोग नहीं जाएंगे, किस तरीके की राजनीति है ये?
जी ये वोट बैंक की राजनीति है। अगर वो मंदिर की तरफ गए अगर दर्शन करने तो उनके वोट बैंक पे असर पड़ेगा। उनका पुराना वोट बैंक हमेशा मुस्लिम वोटर की उन्होंने राजनीति करी है। चाहे वो उनके पिताजी समाजवादी पार्टी के मुखिया जो रहे मुलायम सिंह यादव जी हों, उन्होंने अयोध्या पे राम भक्तों पे कार सेवकों पे गोली चलवाने का काम किया था एक प्रमुख संप्रदाय को खुश करने के लिए, और हमेशा जो है उन्होंने समाज में अराजकता फैलने का ही काम किया था। अगर वो दर्शन करने जाते हैं तो उनके वोट बैंक पे असर पड़ेगा। क्या लगता है क्यों नहीं गए दर्शन करने के लिए? देखिए समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र है वो पूरे प्रदेश को और पूरे देश को पता है कि समाजवादी पार्टी सदैव से हिंदुओं के साथ द्वेषात्मक व्यवहार करती आई है। जिस पार्टी के नेताओं ने कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया हो वो किस मुख से भगवान श्री राम के नजरें मिला पाएंगे? भगवान राम की नज़र पर तो वही जा पाएंगे जिनको श्री राम वास्तव में बुलाएंगे। लेकिन जब राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग राम के खून से, राम भक्तों के खून से बनी पार्टी, वो राम जी का दर्शन किस प्रकार करेगी? इसलिए ही वो लोग नहीं जा पा रहे हैं। और प्रदेश में रहकर जो इस प्रदेश की भावना को नहीं समझ पा रहे हैं वो किस प्रकार की राजनीति करेंगे? इनको जनता बता चुकी है और जनता बता भी देगी कि अब ये प्रदेश में कहीं भी आने लायक है नहीं, ये अपना घर पर रहें और एसी में बैठ के ही राजनीति करें एक कमरे में बैठ के बस। प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाल दिया गया, कांग्रेस किस तरफ जा रही है? जी कांग्रेस तो लगभग धरातल में जा चुकी है क्योंकि उनमें नेतृत्व का अभाव है। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वो अपने आप में खुद संगठित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने INDA नाम का एक संगठन बनाया, वो बनता गया टूटता गया, ये वो पहले अपना संगठन संभाल लें। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि सनातन धर्म जो है की बात होती है और राम मंदिर जाने की बात होती है तो मैं तो यही कहूँगा क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं जैसा जानता हूँ कि इरादे बनते हैं बन के टूट जाते हैं, दर्शन करने वही जाते हैं जिन्हें बुलाते हैं, बाबा बुलाते हैं या ख्वाजा बुलाते हैं। तो हर धर्म में ये चीज़ें हैं। मुस्लिम वोट किसी का बंधुआ नहीं, खुद मैं आप देख रहा हूँ कि ये पार्टी जिस बेस पर खड़ी थी आज यादव समाज का वोट इसको नहीं मिल रहा है, आज यादव समाज का वोट भी इसको नहीं मिल रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ। सपा को यादव समाज का वोट नहीं मिल रहा है, प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाल दिया गया कृष्णम को, क्यों? सिर्फ इस वजह से क्योंकि सनातन धर्म के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे थे, सनातन धर्म को अच्छा बता रहे थे, राम मंदिर बना तब उन्होंने तारीफ कर दी मोदी जी की, इस वजह से पार्टी से निकाल दिया गया। क्या लगता है कांग्रेस किस राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है? कांग्रेस की राजनीति की बात आप जो हम आपसे करें तो वो एक धरातल की तरफ बढ़ रही है जिसके पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है और कोई भी नेता नहीं बचा है। अगर आज हम अपने विपक्ष की बात करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि विपक्ष में कोई भी एक ऐसा नेता है जो मोदी जी के विरुद्ध कोई भी सही लांछन लगा पाए, कोई सही बात कर पाए, योगी जी के लिए कोई ये बता पाए कि इनने ये नहीं करा। सिर्फ इनको फालतू की चीज़ें जो करनी है कांग्रेस पार्टी को, सपा पार्टी को, सीवे कर रहे हैं। बाकी जो राम मंदिर ये नहीं जा रहे हैं, जो इनका इनने खुद बताया प्रियंका गांधी बैठ के पूजन करते हैं, राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, तो इनके उस पहनने से हम क्या माने कि ये आडंबर दिखा रहे हैं? ये तो आडंबर हुआ कि आप हिंदू धर्म को अपनी तरफ खींचने के लिए आप भोलेनाथ के दरबार आप जा रहे हैं, आप जनेऊ पहन के दिखा रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं। लेकिन राम मंदिर जाना सिर्फ इसलिए राम मंदिर नहीं जाएंगे कि भाजपा के शासनकाल में वो बना। वो तो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी का इवेंट मैनेजमेंट है ये पूरा। नहीं, उनके कहने अगर धर्म को आप लेके इवेंट मैनेजमेंट बता रहे हो तो कल हम काशी को बनाएंगे उसको भी इवेंट बनाओगे, मथुरा को हम कहेंगे उसको भी इवेंट मैनेजमेंट कुछ नहीं होता है। आपको मेन चीज़ ये है वो देश के लिए मोदी जी कार्य कर रहे हैं और सनातन के लिए कार्य, ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम पक्ष के लिए नहीं खड़े हैं, वो उनकी भी धर्म की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी करते हैं और सनातन धर्म के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, तो क्या लगता है सपा को इससे कुछ फ़ायदा होगा? स्वामी प्रसाद मौर्य की जहाँ तक बात करें, एक भटके हुए इंसान है स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको खुद ही नहीं मालूम है कि हम किस से आते हैं, हमारा ओरिजिन क्या है, हम किस धर्म से हैं। रही बात समाजवादी पार्टी को इससे लाभ होने की, समाजवादी पार्टी तो बची नहीं है, अब ख़त्म हो गई समाजवादी पार्टी, और इस चुनाव में और जनता देख लेगी कि समाजवादी पार्टी शून्य पर आउट होगी, डक पर आउट होगी, क्योंकि उनके पास न मुद्दा है। जो सिर्फ एक मैटर, एक मुद्दे को लेकर के चलते थे कि भाई बताइए मंदिर की तारीख, मंदिर कब बनाएंगे, मोदी जी ने वो मुद्दा ख़त्म कर दिया है। अब जो वो नहीं जा पा रहे हैं वहाँ राम मंदिर, तो प्रभु श्री राम मंदिर में जाने के लिए आदमी का हृदय, मन,
शुद्ध निर्मल होना चाहिए। प्रभु ने क्या कहा, निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये छल छिद्री लोग हैं, ये नहीं जा पाएंगे कभी। जिनके हाथ खून से रंगे हों राम भक्तों के, वो कैसे जा सकते हैं? तो भगवान श्री राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। क्या जनता ने भी यही मान लिया है कि जो भगवान राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल नकार दिए जाएंगे इस बार? ये तो आने वाला समय बताएगा कि किसको क्या है, पर ये बात तो सत्य है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। बाकी रही सपा की बात, सपा ने जो कार्य अपने कार्यकाल में किया वो बहुत ही दयनीय था। आज जब तारीख पूछते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, जब तारीख आ गई तो उनको तारीख बताया गया, बुलाया बोल दिया गया, तो वो जाएंगे नहीं तो किस मुंह पे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया था इसलिए वो जा ही नहीं सकते हैं। बाकी प्रभु की जो इससे अच्छा होगी वही हो। क्या आपको भी यही लगता है कि सपाई इस वजह से नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके जो पुराने पाप हैं, तो ये कहा जाए कि राम भक्तों पे गोली चलवाना, उनको भी एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलती की थी कभी? नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये चीज़ तो है ही है कि इनके सब राम भक्तों के खून से सने हुए हैं इनके हाथ, लेकिन सबसे बड़ी है कि इनको वोट बैंक पे आ रहा है। ये जन भावना को समझ ही नहीं रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो जन भावना थी ये उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे हैं। उसका अंदाज़ा देखिए, नीतीश कुमार जी ने लगाया, तुरंत पलटी मारी। वो समझते हैं कि आज जो सनातन धर्म की बात करेगा वही राजनीति कर पाएगा, वही देश पर राज कर पाएगा। अभी जयंत चौधरी का नाम आ रहा है, ये समझ ही नहीं रहे इन सब चीज़ें जन भावना को। और जन भावना को अगर नहीं समझेंगे तो इनकी राजनीति, अब तो वैसे भी 80-0 है, सपा को कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे कांग्रेस कितना भी गठबंधन इन दोनों का हो जाए, होना इनका कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरी 80 सीटें लेकर के आ रहा है, NDA कुछ नहीं बचा इन दोनों। कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्या लगता है कि आप सपा कहाँ जा रही है भगवान श्री राम का विरोध करके? सपा सिर्फ जो है सैफाई जाती है हर साल। कानपुर के लोगों का कहना यही है कि वही लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं जिन्हें भगवान श्री राम खुद बुलाते हैं, लेकिन सपा ने, क्योंकि पुराने समय में सपा के जो नेता रहे हैं उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से उनके हाथ खून से सने हैं, राम भक्तों के खूनों से सने हैं, यही वजह है कि वो मुँह छिपाने की वजह से अयोध्या नहीं जा रहे हैं। भाई दूसरी तरफ कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट बैंक अयोध्या जाने से नाराज हो जाए, इसी वजह से कांग्रेस और सपा दोनों ने ही भगवान श्री राम के मंदिर से दूरी बना रखी है। वीरेंद्र अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।